तोबा सिर्फ गिल्ट महसूस करना और आई एम सॉरी कह देने का नाम नहीं है। ये रिश्ता बदलने का नाम है। तुम्हें तमाम गलत काम छोड़ने होंगे, एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करनी होगी, रास्ता दुरुस्त करना होगा। सो कत्ल करने वाले को आलिम ने ये नहीं कहा था कि तुम्हारी माफी हो सकती है, बल्कि ये भी कहा था कि जाकर फला बस्ती में रहो, वो नेक लोगों की बस्ती है, ताकि वो शख्स अपनी इस्लाह कर सके। तुम्हें अपने रॉन्ग्स को राइट करना होगा, जिनकी जिंदगियां तुमने तबाह की है, अब उनकी जिंदगियां जोड़ो, इस मुल्क के लिए कुछ करो। अपने अरबों रुपए के बिल जो तुमने लोगों ने कई साल अदा नहीं किए, अदा करना शुरू करो। नेकियां और बुराइयों को मिटाती हैं। अगर इंसान बड़े गुनाह छोड़ दे तो उसकी छोटी छोटी बुरी आदतें अल्लाह को छुड़ा देता है, लेकिन अगर तुम ये नहीं करते, अपने गुनाहों को जस्टिफाई करते रहो। अगर तुम्हें सिर्फ अफसोस है अपने गुनाहों पर मगर शर्मिंदगी नहीं, और से सुनो, अफसोस और शर्मिंदगी तो अलग चीजें हैं। अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं तो तुम कभी अपनी इस्लाह नहीं कर सके, और इस्लाह के बगैर तौबा नहीं होती। सो कत्ल करने वाला भी इस्लाह नहीं कर सकता, मगर इस रास्ते पे चल पड़ा था जो नेक लोग की बस्ती की तरफ जाना था। सो अगर तुम लोगों से अपने इस मुजालिम की माफी मांगते हो और वो तुम्हें माफ नहीं करते, तो भी तुम्हारी कोशिश देखी जाएगी। अगर इंसान वाकई नादिम हो और खुद बदलना चाहता हो, उसके लिए कोशिश भी करे, तो कोशिश की नाकामी या कामयाबी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ कोशिश देखी जाएगी।